120 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और लगातार जो मशीन है वो बेहतर काम कर रही है और उम्मीद उसी पे टिकी हुई है। उनकी सेहत कैसी है, किस तरीके से अभी तक कितने पाइप फिट हो चुके हैं, हम कितना अंदर तक गए हैं, लगातार इस पर काम चल रहा है। हमारे साथ कंपनी के PRO जीएनआर सर है। सर, किस तरीके से 120 घंटे गुजर चुके हैं, हम क्या माने कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं? सर, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और सभी लोग स्वस्थ हैं। अभी उनसे बात हुई, उनको खाना दिया गया है और सभी स्वस्थ हैं। सर, कितना हम मीटर अंदर तक गए हैं? अभी हमारा 4 पाइप अंदर चले गए हैं, 5 जुड़ रहे हैं, 1 पाइप जो 6 मीटर का है। और सर, खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है और अभी अंदर से बातचीत हुई होगी तो उन्होंने क्या बोला है? खाने के लिए सर, हम उनको दे रहे हैं ड्राई फ्रूट जो पाइप के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि उस पर बैंड है और चीज़ हम दे नहीं सकते। ड्राई फ्रूट हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, भिगे हुए चने हो गए, भिगे हुए चने हो गए, किशमिश हो गए, तो उसमें जा रहे हैं वही दे रहे हैं हम। बात हुई होगी, क्या बोल रहे हो? बात हुई है, भाई यही कह रहे हैं सर, हम स्वस्थ हैं पर हमें जल्द से जल्दी बाहर निकालो। तो हम लगे हुए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हो और अपने लोगों को जल्द से जल्दी रिस्क कराए। बहुत शुक्रिया, हम भी यही उम्मीद करते हैं और लगातार लोगों को निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी ये सबसे बड़ी बात है कि 5वां पाइप की बात कर रहे हैं कि वो फिट लगभग हो चुका है, वेल्डिंग किया जा रही है, उसको भी किया जाएगा और मशीन बेहतर काम कर रही है। सिकियारा टनल से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।